If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Shri Chaitanya and do enroll on our Don't Memorize course, which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code, that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में और उसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे और स्ट्रक्चर्स में सीखेंगे अबाउट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और जो स्ट्रक्चर्स हम प्रिपेयर करेंगे वो होंगे हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में. सो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है, जिसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड नाम से भी जानते हैं. सो इसमें क्या होता है, ये आपके केमिकल बॉन्ड होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. कहने का मतलब यहाँ पे दो आपके मेनली नॉन मेटल्स होते हैं. एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको डिटेल में. जैसे कि हाइड्रोजन जो होता है ये आपका एक नॉन मेटल है, साथ ही साथ क्लोरीन जो है ये आपका दूसरा नॉन मेटल है. ये आपस में कंबाइन होकर हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड. ये आपके दोनों ही नॉन मेटल है और ये म्यूचुअली मतलब आपसी सहमति से रेडी हो जाते हैं फॉर द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इस जो शेयरिंग होती है यहाँ पे एक या एक से ज्यादा पेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की, उसको कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड. और उसके बाद इस बॉन्ड की बदौलत जो आपको कंपाउंड मिलता है उसको कहा जाता है कोवेलेंट कंपाउंड. देन आपको देखने के लिए मिलेगा जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको कहा जाता है कोवेलेंट मॉलिक्यूल. इसके कुछ और एग्जांपल हम अच्छे से डिटेल में सीखेंगे इसी वीडियो में आगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स. जैसा कि यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा क्या. सो आपका जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो मेनली फॉर्म्ड होता है बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स. और दोनों ही जो एटम्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. और आपको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को देखा जा सकता है बाय अ शॉर्ट लाइन बिटवीन द टू एटम्स. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में आपको एक शॉर्ट लाइन देखने के लिए मिल रही है. तो इससे हमें क्या देख के पता चल जाएगा कि ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, देन वॉटर, अमोनिया, मीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये सारे ही एग्जाम्पल हैं आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, क्योंकि इनके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा एक शॉर्ट सी लाइन बनी हुई है. तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. आपका डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बिटवीन द टू एटम्स. इसको आप टू शॉर्ट लाइन के माध्यम से देख के पहचान सकते हैं. जो आपका डबल बॉन्ड होता है ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है टू सिंगल बॉन्ड्स का. कहने का मतलब दो सिंगल बॉन्ड्स आपको डिफरेंटली देखने के लिए मिलेंगे और उसको कहा जाता है डबल बॉन्ड. अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले सकते हैं ऑक्सीजन का. और ये जो ऑक्सीजन है इसको अगर डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम डिनोट करें तो O, देन इसके बीच में दो आपको शॉर्ट लाइन देखने के लिए मिलेंगी एंड देन O, ये डिनोट हो जाएगा एज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. अब बात कर लेते हैं आपका थर्ड एंड लास्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में. तो आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है आपका थ्री सिंगल बॉन्ड्स का और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द थ्री शॉर्ट लाइन. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बात बिटवीन द टू एटम्स. और इसका एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो हो जाएगा सबसे अच्छा हमारे लिए नाइट्रोजन, जो कि होता है N2. इसको लिखा जाता है कुछ इस तरीके से N, देन तीन शॉर्ट हमने लाइंस बना दी, देन लिख दिए N. ये हो गया एग्जाम्पल आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का. तो चलिए अब बात कर लेते हैं अबाउट सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में. सो सबसे पहले बात की जाए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की. सो हाइड्रोजन जो होता है इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद होता है. के आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इसको डुप्लेट बनाने के लिए. अब डुप्लेट क्या होता है, एक एलिमेंट को स्टेबल बनाने के लिए या तो आपका लास्ट जो वैल्यू होती है आउटर मोस्ट शेल पे या तो वो दो बन जाए या फिर वो एट बन जाए.
एज हाइड्रोजन में आपका एटॉमिक जो नंबर होते हैं वो वन होता है, सो इलेक्ट्रॉन ओनली वन है, तो वैल्यू टोटल कितनी है, वन। तो आउटर मोस्ट जो शेल है इसका, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको डुप्लेट कहने का मतलब दो की वैल्यू के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होगी। सो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन के साथ में वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। और कॉम्बिनेशन के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि हाइड्रोजन जो है वो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर दो एटम ऑफ हाइड्रोजन पाए जाते हैं। अब बात की जाए सेकेंड एग्जाम्पल की, जो कि है हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल का। सो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर यहाँ पे हम लिखते हैं सो वो होता है 2, 8 एंड 7, क्योंकि जो क्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है टोटल 17, Cl देन 17। ओके, सो इसका आउटर मोस्ट जो शेल है वहां पे सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जिसके बाद ये आपका एक प्रॉपर ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा। ऑक्टेट क्या होता है, जब आपका जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो बाहरी शेल होती है, उसमें अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेट, एंड आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 होते हैं तो जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया था उसको कहा जाता है डुप्लेट। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिफोर कॉम्बिनेशन में ये क्लोरीन जो है ये अपने ही दूसरे एटम क्लोरीन के साथ में मिलता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है जो कि हमें बताता है कि एट द एंड यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, सिर्फ एक पेयर की। एंड एट द लास्ट जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर भी दो एटम पाए जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की, जो कि है हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या होता है, पहला तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वन। ओके, सो इस हाइड्रोजन को भी जरूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन के साथ ही साथ, जो आपका क्लोरीन होता है उसमें कितना होता है, 17। ओके, सो एच में तो ओनली वन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है आपका 2, 8, 7, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, बट ये दोनों ही अलग अलग टाइप के एटम है यहाँ पे। इन दोनों को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए और साथ ही साथ एक नोबल गैस बनने के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एंड क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। सो इसी वजह से ये एट द एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, एंड आपको देखने के लिए मिलेगा जो हाइड्रोजन क्लोराइड है उसके अंदर टोटल 2 एटम्स पाए जाएंगे, जिसमें कि एक हाइड्रोजन का होगा और एक क्लोरीन का होगा। सो एट द लास्ट अब बात कर ली जाती है अपने फोर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है 2,4, एंड जो क्लोरीन होता है उसका एज एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 एंड 7। सो यहाँ देखा जाए तो इसको बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और इसको देखा जाए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। सो यहाँ पे आपको 4 अलग अलग तरीके के सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो कार्बन है वो अपनी तरफ से 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर करेगा, ये देखिए कार्बन, और 4 इधर क्लोरीन एटम्स है तो उनके साथ में शेयरिंग करेगा, तो उससे हमें मिलेगा 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स एट द एंड आपको सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।